चुनाव कमीशन यानी विधि आयोग ने सरकार से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल यानी BCCI को सूचना के अधिकार RTI के तहत लाने की सिफारिश की। लॉ कमीशन का कहना है कि जब देश की अन्य खेल संघ RTI के तहत आती है तो फिर BCCI को इससे बाहर क्यों रखा जाए। इस संबंध में लॉ कमीशन ने बुधवार को विधि मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आपको बता दें कि BCCI देश में क्रिकेट की शासकीय संस्था है। रिपोर्ट के मुताबिक लॉ कमीशन के मंत्रालय ने कहा कि BCCI सरकार की तरह ताकतों का इस्तेमाल करती है, इसमें हिस्सेदारों के हित प्रभावी होते हैं जिन्हें की संविधान के पार्ट 3 के तहत दिया जाना निश्चित किया गया है। BCCI एक सार्वजनिक संस्था है, जब दूसरे सभी खेलों के नेशनल फेडरेशन RTI के दायरे में रखे गए हैं तो फिर वे रिपोर्ट में कहा गया है कि BCCI टैक्स में छूट के रूप में सरकार से बहुत ज्यादा वित्तीय लाभ हासिल करती है, ऐसे में उसे जवाबदेही होनी चाहिए। पिछले साल केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC ने यह स्पष्ट किया था कि BCCI एक नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, हालांकि तब उसने RTI कानून के तहत इसे सार्वजनिक संस्था घोषित नहीं किया था। CCCI क्यों नहीं? अगर सरकार कमीशन के सुझाव को मान लेती है और BCCI को सार्वजनिक संस्था का RTI के दायरे में लाने वाली संस्था मान लेती है तो फिर राज्य, जोन या नेशनल टीम के खिलाड़ियों के चयन को लेकर कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। हालांकि सरकार लॉ कमीशन की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आगे आने वाले समय पे क्या BCCI को लॉ कमीशन के अंतर्गत रखा जाएगा या फिर नहीं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट न्यूज डेस्क से अंकुर की रिपोर्ट।